एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष के घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। कुछ देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा, वो दोस्त दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर जल का स्रोत एक तालाब अवश्य मिलेगा, उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने लगता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के पानी में मिल जाती है, जिस वजह से तालाब का पानी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इतना इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए बुद्ध बोले, यह चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रही मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ गई। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा तब तक
दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हैं, कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे, तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध की स्टोरी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों का और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, और ऐसे में हमें ऐसी बातों से सीखने को मिलता है कि जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिलती है। इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।